जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद 1952 में इस पॉलिसी को फिर से रिवाइज़ किया गया था फिर से बनाया गया था और 33 परसेंट फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया था पूरा डिक्लेयर कर दिया गया कवर वाज डिक्लेयर्ड एज अ बेंच मार्क टारगेट मतलब उनका बहुत ध्यान रखा जाएगा ये ऐसे उसको बिल्कुल टारगेटेड कर दिया गया था प्रेजेंटली इंडियाज़ फॉरेस्ट पॉलिसी रिक्वायर्स दैट देअर शुड बी सिक्सटी फॉरेस्ट कवर इन द हिल्स एंड ट्वेंटी इन द प्लेन्स इंडिया में अभी प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके उसमें क्या है रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी सिक्सटी परसेंट फॉरेस्ट कवर्ड इन दिल्स हिल्स हिल्स में सिक्सटी परसेंट फॉरेस्ट होने चाहिए एंड ट्वेंटी परसेंट इन द प्लेन जो प्लेन एरिया है मतलब नॉर्दन प्लेन एरिया है वहाँ पर ट्वेंटी परसेंट सम ऑफ़ द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट आर लिस्टेड बिलो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं उसके पॉइंट्स हैं इन इनडिसक्रिमिनेट डीफॉरेस्टेशन शुड भी मतलब प्रोहिबिटेड डीफॉरेस्टेशन को जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए ओके वेस्टेज ऑफ टिम्बर एंड फायरवुड शुड भी अवॉइड जो टिम्बर और फायरवुड होता है उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए इसको अवॉइड करना चाहिए फॉरेस्ट एरिया शुड बी इंक्रीज बाय एफॉरेस्टेशन एफ़ॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है पेड़ों को लगाना और फॉरेस्ट का एरिया हमें धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए पेड़ों को लगा लगा के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी सच एस बायोगैस शुड बी यूज टू सप्लीमेंट फायरवुड अलग अलग सोर्सेज सो हमें अपनाने चाहिए यूज़ करने चाहिए जैसे कि बायोगैस और जिससे शुड बी यूज टू सप्लीमेंट फायरवुड जिससे हम फायर वुड को बचा सकें फॉरेस्ट फायर्स शुड बी प्रिवेंटेड फॉरेस्ट में फायर लगने से बचना बचाना चाहिए पेस्ट एंड डिजीज़ेस ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज शुड बी कंट्रोल केमिकली एंड बायोलॉजिकली ऐसे डिजीज़ेस, ऐसे पेस्ट और ऐसी डिजीज मतलब जो दवाइयाँ हैं और जो फॉरेस्ट से फॉरेस्ट ट्रीज़ से जो डिजीजेस से जो बचने के डिजीजेस ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज मतलब जो फॉरेस्ट ट्रीज़ में जो डिजीज लग जाती हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए किससे केमिकल और बायोलॉजिकल तरीके से ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन फॉरेस्ट शुड बी डिस्करेज मतलब जो जो आपके गाय होती हैं भैंस होती हैं और भी जो हमारे जानवर होते हैं उनको फॉरेस्ट में जाने से फॉरेस्ट को बर्बाद करने से रोकना चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो जाके ग्रेजिंग करते हैं मतलब खा जाते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं डी रिफॉरेस्टेशन ऑफ द डिफॉरेस्टेड एरिया शुड बी अंडरटेकिन हमको जो ऐसे एरियाज जो बिल्कुल डिफॉरेस्टेड है मतलब जो बिल्कुल हट चुके हैं खराब हो चुके हैं उनको हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए यानी कि वहाँ पे फिर से हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए लार्ज एफॉरस्टेशन शुड बी डन इन एरियाज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए ऑपरेशन फ़ॉर इम्प्रूवड एंड सेलेक्टिव कटिंग शुड बी एडोप्टिड इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट और ऐसे ऑपरेशन यूज़ करने चाहिए जिसमें हम सेलेक्टिव कटिंग शुड बी एडोप्टेड इन फॉरे ऐसा फॉरेस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम उन्हीं पेड़ों को काटें जो हमको ज़रूरत है उन्हीं को काटना चाहिए और भी किसी को और कोई ऐसा पेड़ ना कटे जिसकी कोई ज़रूरत आगे ना हो ओके स्टूडेंट दैट सॉल्व फॉर टुडे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल होगा एफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थैंक यू क्लास